मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपराध कहाँ से खत्म होगा जब ऐसे अपराधी बैठा दिए जाएंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर। पराली जलाने के नाम पे ना जाने कितने किसानों को इन्होंने जेल भेजने का काम किया। देखिए मिशन शक्ति भी जुमला है, जिस तरह इनका एंटी रोमियो स्क्वाड फेल हो गया, आज जो किसान देश की इज्जत बचाने का काम कर रहा है उस किसान को जिस तरह ये लेके जा रहे हैं उस पर किसी भाजपा के नेता का दर्द नहीं होगा। लेकिन जो ये जो बिकाऊ पत्रकार है अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये भाजपा के लोग और ये दंगाई जो इनके नेता है वो कहते हैं मंचन पे बैठने का काम करेंगे। बताइए इस तरीके से देश का लोकतंत्र बसता है? उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, बिहार में जाके ये राम राज्य की बात करने आए कि हम राम की धरती से आए हैं। राम की धरती की तो इन्होंने सत्यानाश करने का काम किया है कि भारत में से किसी के बाप की औकात नहीं कि किसी जनता को बाहर करने का काम करे। जी देखिए मिशन शक्ति भी जुमला है, जिस तरह इनका एंटी रोमियो स्क्वाड फेल हो गया, एंटी रोमियो स्क्वाड बना के जब इन्होंने जो अगर भाई बहन रोड पे घूम रहे हैं, भाई बहन पार्क में बैठ के बात कर रहे हैं, उन्होंने उन पे इन्होंने फर्जी कार्रवाई करने का मांग किया, क्या हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड में? इन्होंने हाथरस जैसे कांड दिया हमें इनाम में। इसके साथ ही आप देखिए जो मिशन शक्ति चला रहे हैं, आप बता रहे देवरिया में लड़की को छेड़ा जाता है, उसके बाद अगर लड़की थाने में जाकर शिकायत करती है तो उसके घर में बदमाश घुस के उसके बाप और भाई को मारने का काम करते हैं। कहाँ है योगी की पुलिस, कहाँ है सरकार का डर? जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने कहा था कि या तो प्रदेश अपराधी प्रदेश छोड़ दे नहीं तो जान से जाएंगे। आज कहाँ यूपी अपराधी प्रदेश छोड़ रहे हैं? सबसे ज़्यादा कहीं अपराध हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप दूर की छोड़िए देवरिया, गाजियाबाद में हमारे सिहानी गेट के पास एक 9 साल की 9वीं क्लास की बच्ची का छेड़छाड़ करने पर अगर वो थाने में जा रही है, चौकी में जा रही है, तो दरोगा कह रहा है कि बताइए हम तुम्हारे लिए घर पर चौकी खुलवा दें। जब योगी के पुलिस का ही ये बयान है तो क्या मिशन शक्ति बनवा दें, क्या एंटी रोमियो स्क्वाड बनवा दें? बच्चियाँ कहीं सुरक्षित नहीं है, हर जगह मुजफ्फरनगर में आप देखिए डबल मर्डर केस सनसनी हुआ है। आप देखिए ये अत्याचार किस पे करते हैं, ये अत्याचार महिलाओं पे करने का काम करते हैं, किसानों पे। आज पराली जलाने के नाम पे ना जाने कितने किसानों को इन्होंने जेल भेजने का काम किया। अरे भाई किसान क्या करे, अगर किसान को पहले आप जागरूक करो, पराली जलाने से अगर इतना प्रदूषण फैल रहा है तो जो अंबानी अडानी के जो इतने उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जो फैक्ट्री और शासन, मतलब देखिए सबसे पहली बात जो जो किसान जो इस मतलब कोरोना काल में भी जिसने जीडीपी देश की जीडीपी को थोड़ा बहुत बचाने का काम किया वो कृषि ने बचाने का काम किया। आज जो किसान देश की इज्जत बचाने का काम कर रहा है उस किसान को जिस तरह ये लेके जा रहे हैं उस पर किसी भाजपा के नेता का दर्द नहीं होगा। मान लीजिए अगर किसान भागने की भी कोशिश कर रहा है तो क्या तरीका है कि कॉलर पकड़ के आप एक बुजुर्ग को उठाने का काम कर रहे हैं? लेकिन जो ये जो बिकाऊ पत्रकार है अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये भाजपा के लोग और ये दंगाई जो इनके नेता हैं वो कहते हैं मंचन पर बैठने का काम करेंगे। बताइए इस तरीके से देश का लोकतंत्र बसता है? आप देखिए पराली जलाने के नाम पे, आज मनरेगा के नाम पे पता नहीं क्या तकनीकी खराब आ गई है जिसमें मनरेगा की इन्हें मतलब जो उनका वेतन है वो नहीं मिल रहा लोग मजदूरों को, तो दिवाली उनकी फीकी जा रही है। योगी बाबा क्यों नहीं सोच रहे? उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, बिहार में जाके ये राम राज्य की बात करने आए कि हम राम की धरती से आए हैं। राम की धरती की तो इन्होंने सत्यानाश करने का काम किया। अपराध में उत्तर प्रदेश चरम सीमा पे है। बिहारियों को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने तकलीफ दी है तो योगी आदित्यनाथ ने दी है। लॉकडाउन में इन्होंने लाठी डंडों से उनका स्वागत किया है, इन्होंने बॉर्डर पार करने नहीं दिया, महिलाएं गर्भवती उनका गर्भपात पेट में हो गया, पिता बिहार में लोगों के रिश्तेदार मर गए लेकिन इन्होंने गांव जाने देने का काम नहीं किया। देखिए इनका विचार यही रहता है लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं उसने बयान काट करते हुए कहा है कि भारत में से किसी के बाप की औकात नहीं कि किसी जनता को बाहर करने का काम करे। इनके पास की कुछ नहीं है, ये ऐसी बातें करके ये हिंदू मुस्लिम करवाने का काम करते हैं। क्यों नहीं इन्होंने किसी एक मुसलमान को बाहर करवाने का काम किया? और मुसलमान क्यों जाएगा? जिस तरह आज़ादी में जिस हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी है तो मुस्लिमों ने भी लड़ाई लड़ी है। क्यों किसी मुसलमान को और किसी मतलब हिंदू, अब बताइए बिहार में जाके आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जय श्री राम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जय श्री राम नहीं बोलते ये लोग, भारत माता की जय नहीं बोलते। भारत देश में ऐसा कौन सा हिंदू है जो जय श्री राम नहीं बोलेगा? भारत देश में ऐसा कौन सा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कौन सा ऐसा नागरिक है जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा? ये सिर्फ धार्मिक भावनाएं जगा के जिस तरीके से ये लोगों का वोट लेने के लिए खून की नदियां बहाने के लिए चालू है, ये तो ये इनका तो ये है कि जितनी घटना हो महिलाओं के ऊपर उतनी ये दबाते रहेंगे। एक घटना तो आपके सामने जो हाथरस की हुई, बताओ उस बिचारी का यानी घर तक उसकी मिट्टी भी पहुंचने नहीं दी इन्होंने, तो ये तो दबाने का काम करते हैं। ये तो क्या है कि भैया अगर हम भी अपना दुख दर्द कहीं लेके जाएंगे तो हमें भी मरवा देंगे ये लोग। ये इन सरकार ऐसी हो गई है, बस बताने के नाम लव स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड, सब स्क्वाड बना बना के पैसा खा खा के लोगों का शोषण करते रहेंगे, महिलाओं का शोषण करते रहेंगे, सब जनों का शोषण करते रहेंगे। एंटी स्क्वाड बना लेकिन छेड़छाड़ में खत्म नहीं, खत्म कभी नहीं। मैं कह रहा हूँ आप हरियाणा का ही ले लो, हरियाणा में भी तो सरकार इनकी है, दिन दहाड़े उसको मार दिया गया। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या देखते हैं? छेड़छाड़ी तो
रुक ही नहीं सकती। मानसिकता यानी इनकी भी जो मानसिकता है ना औरतों के प्रति, इनके जो करते रहेंगे जुमलेबाजी करते रहेंगे, लोग कहेंगे कि हम ऐसे बनाएंगे स्क्वाड बनाएंगे लोगों को, अरे लोगों को समझाइए, एक क्लास लीजिए, हज़ारों रुपया खर्च कर देंगे योगा में, मगर लोगों की सुधार के लिए, मानसिक सुधार के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे ये। अच्छा हरियाणा के बात की, हरियाणा में इन्होंने हिंदू मुस्लिम का रख दे दिया, जब जिहाद का नाम दे दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि हमारी सरकार जो है अपराधी को पकड़ने में नाकाम। मैं कह रहा हूँ लव वही तो ये तो अब जहाँ इनकी सरकार होगी वहाँ इस चीज़ों को दबाएंगे, लव यानी जहाँ पे इनको लगे कि हाँ मैटर हिंदू और मुस्लिम, तो मुसलमान को ही घुसाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को ना ये हिंदू मुसलमान में डिवाइड करना चाहते हैं, जिससे लोगों के प्रति हिंदुत्व बढ़ाएंगे कि हिंदुत्व को बढ़ाओ और मुसलमानों को कहो कि मुसलमान अत्याचार कर। अरे यार आप पढ़े लिखे लोग हैं, आज आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, उन्हें पता है कि क्या समझ है। अरे जितने मंत्री और ये संतरी हैं इन्होंने भी तो हिंदू हैं और मुसलमानों से शादी करके, उसमें लव जिहाद नहीं होगा। यहाँ अगर यंग जनरेशन आपस में एक वो होगा म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा इन दोनों में, तो वो लव जिहाद में कर देंगे, उन्हें उनके परिवार के लोग ही केस कहाँ तक पहुँचे, तो आप आम जनता का बताइए क्या होगा फिर। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपराध कहाँ से ख़त्म होगा जब ऐसे अपराधी बैठा दिए जाएंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी नाथ जैसे, जो सिर्फ एक साधु की संत के कपड़े पहन के साधु संतों पे भी धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं, वो पे इतने मुकदमे चल रहे हैं, उन पे केस चल रहे हैं, और वो कहते हैं अपराध खत्म करेंगे उत्तर प्रदेश से, पहले अपने अंदर झांक के देखिए कैसे खत्म कर दिया उन्होंने, अपराध अपना खत्म करा है, अपने ऊपर धारा जो लग रही थी वो सारी धारा खत्म करी है, वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार शोषण मर्डर केस सब बढ़ चुके हैं। अब उनके घर के परिवार के आदमी थाने में जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, चौकियों में जाते हैं, तो वहाँ के दरोगा वहाँ के इंस्पेक्टर ये कहते हैं तुम्हारे घरों में चौकी खुलवा दें क्या, कहाँ से दर्ज होगा। जब वो मुख्यमंत्री योगी नाथ जी जैसे वो मना करते हैं कोई भी मुकदमे नहीं लिखने चाहिए नहीं तो हमारी बदनामी होगी, वो लिस्ट में चढ़ जाएंगे नाम, सर पूछताछ होगी, इनकी सरकार में इतने मुकदमे हुए हैं, इतनी धाराएं लगी हैं, इतने केस हुए हैं, इतने बलात्कार हुए हैं, ये उन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे, इन्हीं के ही आदमी इस देश में शोषण कर रहे हैं।